वैद्य जी आप तो जानते हैं मैं धुले से आता हूँ, क्योंकि आप ही इकलौते ऐसे वैद्य हैं जो मेरे बेटे का इलाज कर सकते हैं, उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तू जानता तो सब है, इलाज की कीमत भी जानता होगा, 100 रुपए लगेंगे, पूरे 100 रुपए। वैद्य मैं गरीब आदमी 100 रुपए कहाँ से लाऊंगा, आप मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ जी। चल हट, तेरे जैसे गुलाम को लेके क्या करूंगा, पैसे चाहिए पैसे, और अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी पूरी जिंदगी अपने पागल बेटे के साथ काट, बगैर पैसे के तो इलाज नहीं होगा। ऐसा ना कहिए वैजी, अब तो भगवान के समान है वैजी, मेरे बेटे को बचा। तू ऐसे नहीं मानेगा, अब चल तू बाहर, चल 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 बाहर, चल निकल। तान कहां कहां से आ जाते हैं, लगेंगे पूरे 100 रुपए, और अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी पूरी जिंदगी अपने पागल बेटे के साथ काट, बगैर पैसे के तो इलाज नहीं होगा। कहां से लाऊंगा 100 रुपए, और बिना इलाज के मीनू को ठीक कैसे करूंगा। मैं साई को क्या कहूंगा उनसे कि मजबूरी ने चोर बना दिया, मुझे माफ करना साई, मेरे कारण आपको भी इतना परेशान होना पड़ा है। कोशिश तो की थी जल्द से जल्द गहने बेचकर वीनू का इलाज करा लूं, लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। जब पुलिस ने पूछताछ की
तो वसुंधरा की बात याद आई कि जब भी मुश्किल में फंस जाओ साईं का नाम लो, और कोई दे ना दे साईं साथ देते ही हैं, इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया। मुझे लगा आप ही हैं जो मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं, फिर मेरी मजबूरी आप ही समझ सकते हैं। मैंने पुलिस से कहा कि वो गहने मुझे आपने दिए हैं, लेकिन अब कल सारा सच सामने आ जाएगा और मैं सिर्फ अपने बेटे का इलाज कराने में ही असफल नहीं रहूंगा, बल्कि आपके सामने मेरा सर जो भक्ति में झुकना चाहिए वो अब शर्म से झुका होगा। सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। डर किसके पेट से जन्म लेता है जानते हो? गुनाह के पेट से, बुराई और असत्य के पेट से, क्योंकि जो गुनाह करता है, बुराई और असत्य की राह पर चलता है, वो ये जानता है कि इंसाफ होगा, और जब इंसाफ होगा तब प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। लेकिन इंसान अगर सत्य की राह पर चले, अच्छे का अनुसरण करे, तो फिर भय कैसा? आप ठीक कह रहे हैं साईं, और हम जानते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए, यही समझाना चाह रहे हैं। साई, एक ही गांठ तो बाकी है, आप तो कभी कोई काम बात के लिए नहीं छोड़ते हैं। तात्या, इसके खुलने का सही समय अभी आया नहीं है। एक बात बोलूं साई, आप इसी तरह पहेलियों में बात करते हैं। कल अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपने ऐसा ही बोला और मजिस्ट्रेट कुछ नहीं समझ पाया तो? हाँ साईं, हम सबका ये मानना है कि ये अदालत का मामला है, उसमें सीधे सीधे बोलना चाहिए मजिस्ट्रेट को। वो देखो, गेंदा और गुलाब एक साथ उगे हुए हैं, लेकिन ना तो गुलाब को देखकर गेंदे ने अपना पीला रंग त्यागा और ना ही गेंदे को देखकर गुलाब ने अपनी खुशबू।
जब अपने आसपास के माहौल से प्रकृति नहीं बदलती तो हम क्यों बदलें? लेकिन साईं, कल द्वारका माई में बहुत से मेहमान आने वाले हैं। ये द्वारका माई राम जी का घर है, किसी को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों इसका ख्याल रखोगे ना? जी सर, आपकी हर बात हमने मानी है, लेकिन ये सच स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस बार हम अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं। डर लग रहा है कि कल क्या होगा। अल्लाह माले मूर्ख था गणपत राम जी, लेकिन कोई बात नहीं, नाना साहब जोशी आ रहे हैं शिरडी में। अंग्रेज सरकार के बहुत ही निष्पक्ष, निष्कपट सत्यवादी कर्मियों में उनका नाम गिना जाता है। आज कौन बचाएगा तेरे फकीर को? मेरी बड़ी मंशा थी कि उसे शिरडी से जाता देखो, लेकिन ऐसे ले जाया जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एकदम कल्पनातीत बेड़ियों में शिरडी के रास्तों से घसीट कर। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। केशव, मर्यादा का स्मरण रहे। एक समय था जब शिरडी को कोई नहीं जानता था, ना ही मुखिया को, लेकिन आज जिस शिरडी के मुखिया होने का आपको घमंड है ना, उस शिरडी का अस्तित्व अब साई से है। साई नहीं रहे तो शिरडी भी नहीं रहेगी। इसीलिए साईं का यहां रहना आपके हित में है। प्रार्थना करिए उनके लिए।
मैं इतना तो जानता हूं कि साईं की मर्जी के बिना कोई शिरडी नहीं आ सकता, लेकिन आखिर साईं चाहते क्या है? ये अदालत शिरडी आने का मकसद क्या हो सकता है? आज पता चलेगा कि साई की ये लीला क्या है और क्यों है, पर किसी ना किसी का उद्धार तो तय है। हरिओम हरिओम, प्रणाम जोशी जी, आपका शिरडी में स्वागत है। मैं कुलकर्णी सरकार शिरडी का मुखिया हूं। प्रणाम जोशी जी, शिरडी में आने वाले हर व्यक्ति का नाम और तारीख दर्ज कर रहे हैं, आप अपना भी कर दीजिए। अस्थाई अदालत की सारी तैयारियां हो चुकी? जी, सारी तैयारियां हो चुकी, लेकिन आप थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं तो? सरकार मुझे काम करने की तनख्वाह देती है, सिर्फ मेरा ही नहीं सबका समय महत्वपूर्ण है। एक महीने पहले चोरी हुई, अभी तक सुनवाई चल रही है, आज फैसला करना होगा। जोशी जी, आपने कहा कि चोरी एक महीना पहले हुई थी? हाँ, एक महीना पहले कोंडीबा को गहनों के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो उसने कहा था कि मैं अभी अभी शिरडी से लौट आया हूं और ये गहने मुझे साई बाबा ने दिए। कोंडीबा अगर शिरडी आया था तो इसका सच इस सूची में नहीं जाएगा। बात तो सही है, शिरडी में आने वाले सारे लोगों का नाम इसमें दर्ज है, तो कोंडीबा का भी होगा। ये देखता हूं, तो उस तारीख के आसपास कोई नाम ही नहीं है। इसका मतलब अभियुक्त झूठ बोल रहा है, वो शिरडी आया ही नहीं। हरिओम हरिओम जोशी जी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूची में शिरडी में आने वाले लोगों से अधिक उन लोगों के नाम हैं जो उस फकीर से मिलने आते हैं, और इस सूची को ना ही मैंने या किसी अंग्रेज अधिकारी ने वैधता दी है। संभवतः इस सूची में किसका नाम लिखना चाहिए और किसका नहीं, इसका निर्णय अपनी सुविधा से लिया जा रहा हो। चलिए मान लिया कि कोंडीबा शिरडी की सीमा पार करके अंदर नहीं आया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो फकीर कोंडीबा से मिलने शिरडी के बाहर चला गया हो।
नहीं मालूम। फकीर है, उसे समय की क्या पाबंदी। और जोशी जी, ये भी हो सकता है कि कोंडीबा रात के समय आया हो उस फकीर से मिलने। श्रीकांत जी दिन रात थोड़े ही सूची लेके बैठे होंगे, है कि नहीं श्रीकांत जी? इसलिए मुझे लगता है कि आज ही सुनवाई होनी चाहिए। अदालत की कार्रवाई के लिए निकलते हैं। शिरडी में वर्षों से चला आ रहा पाखंड आपके न्याय से समाप्त हो जाएगा, इसकी मैं आशा करता हूं। जोशी जी, आप वशीकरण समझते हैं? वशीकरण, जादू टोना। ये फकीर वशीकरण करने में निपुण है। बड़े बड़े विवेकशील ज्ञानी लोग इसके वश में आ चुके हैं। उसकी भाषा बोलते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है नाना साहेब चांदोरकर, आपके ये गणपत राम जी, है ना गणपत जी? मेरा ये सुझाव है कि आप सावधान रहिएगा, नहीं तो न्याय नहीं हो पाएगा। नाना जोशी का शिष्य ईश्वर के अलावा किसी के सामने ना झुका है ना झुकेगा, और हम झुकने भी नहीं देंगे साहेब। और जिसे वशीकरण का रंग दिया जा रहा है वो केवल सत्य की पहचान है, और जहां सत्य होता है वहां ईश्वर अवश्य होते हैं। चलो।
साई साई बीनू, तुम्हारे बाबा वहां हैं। बाबा आज बीनू के बाबा बीनू के साथ होंगे, लेकिन अभी अपनी आई के पास जा। आई बाबा, अच्छा आई तो अपने बाबा के अलावा किसी और की बात एक बार में मानता ही नहीं है, और यहां साई बाबा की बात झट से मान रहा है। आप सच जानते हैं, फिर भी मुझे इतनी दया दृष्टि से देख रहे हैं। काश मुझ में सच कहने की हिम्मत होती। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी में डाल दिया है मुझे। मेरे साई। वैद्य जी, आप तो जानते हैं मैं धुले से आता हूँ, क्योंकि आप ही इकलौते ऐसे वैद्य हैं जो मेरे बेटे का इलाज कर सकते हैं, उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तू जानता तो सब है, इलाज की कीमत भी जानता होगा। 100 रुपए लगेंगे, पूरे 100 रुपए। वैद्य, मैं गरीब आदमी 100 रुपए कहाँ से लाऊंगा। आप मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ जी। तेरे जैसे गुलाम को लेके क्या करूंगा। पैसे चाहिए पैसे, और अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी पूरी जिंदगी अपने पागल बेटे के साथ काट। बगैर पैसे के तो इलाज नहीं होगा। ऐसा ना कहिए वैजी, अब तो भगवान के समान है वैजी, मेरे बेटे को बचा। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब चल, तू बाहर चल, चल चल बाहर चल, निकल। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लगेंगे, पूरे 100 रुपए। और अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी पूरी जिंदगी अपने पागल बेटे के साथ काट। बगैर पैसे के तो इलाज नहीं होगा। कहां से लाऊंगा 100 रुपए, और बिना इलाज के बीनू को ठीक कैसे करूंगा। को साफ साफ उत्तर देने होंगे। आपके गुरु का नाम? यंकू साहब। आपकी जात, होट जात? वो परवर दिखा।
अपनी उम्र बता सकते हैं? लाखों वर्ष। जिन गोल गोल बातों को सुनकर शिरडी वालों ने इसे सिर पे बिठा लिया था ना, वही गोल गोल बातें इसे आज अदालत में गिराएंगी, देख लेना। ये क्या कह रहे हैं साईं? इन जवाबों से अदालत इन पर विश्वास कैसे करेगी? ईश्वर को साक्षी रखकर कहिए, आप जो कह रहे हैं सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप इस चोरी के आरोपी कुंडीबा को पहचानते हैं? जी हाँ। मैं तो सबको जानता हूं, पहचानता हूं, क्योंकि हम सब इससे पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं। मुझे इसी बात का डर था, साईं जो कह रहे हैं अदालत उसके प्रत्यक्षार्थ को ही दर्ज करेगी, और रोष का यहां कोई मूल्य नहीं है। जब तुम निर्दोष हो तो सच क्यों नहीं बोल रहे हो? गोंडीबा का कहना है वो आपका भक्त है, वो आपके पास ही रहता है, क्या ये सच है? सब मेरे साथ रहते हैं, मैं सबके साथ रहता हूं। सब मेरे अपने हैं, मैं सबका हूं। साईं ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आरोपी कोंडीबा के बयान के अनुसार जो चोरी किए हुए गहने उसके पास पाए गए वो आपने उसे दिए थे, क्या ये सच है? मैंने ही दिए हैं। ऐसे भी कौन किसे क्या देता है? अगर वो गहने आपने उसे दिए हैं, वो आपके पास कहां से आए? सब कुछ मेरा ही है। साई बाबा, मैं आपको याद दिला दूं, ये चोरी का मुकदमा है, संगीन जुर्म है। अगर आपने ये गहने उसे दिए हैं तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। साईं ये क्या कर रहे हैं?
मेरा गुनाह अपने सर क्यों ले रहे हैं? चांदोरकर जी, आपने तो कहा था मुझे सबूत मिल जाएंगे कि साई बेकसूर है, लेकिन उन्होंने तो गुनाह मान लिया है। साई ऐसे ही बात करते हैं, उनकी बातों में छुपा अर्थ समझना पड़ता है। लेकिन उन्हें समझाना तो होगा, अगर वो सब कबूल करते गए तो उनको दोषी ठहराने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। सुन लिया तुम लोगों ने, इसने ये कबूल कर लिया है कि इसने गहने कोंडीबा को दिए। तो असली चोर कौन है? कौन है? ये है। साई को मेरे कारण दोषी ठहराया जाएगा? हे भगवान, जोशी जी, आप यहां न्याय करने आए हैं। अगर आपने साई की बातों का सही अर्थ ना समझकर सही निर्णय नहीं लिया तो ये तो उचित नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको साई से व्यक्तिगत तौर पर बात कर लेनी चाहिए। साई, मुझे आपसे व्यक्तिगत बात करनी है, अब यहां आइए। मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आपको मुझसे कुछ व्यक्तिगत बात करनी है तो आप यहां आइए। ठीक है, यह अदालत मैं चला रहा हूं, मैं खुद चलकर जा सकता हूं।
सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए। घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गा, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे ये पैर तो हमेशा से सुन रहा है, फिर ये कैसा आभास है? प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। ओम साईं 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 साईं। ओम साईं 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 साईं। क्या कर रहे हैं जोशी जी? आप यहाँ कानून के प्रतिनिधि हैं और कानून घुटने नहीं टेक सकता है। आपने मेरा सारों का दुख दूर कर दिया, एक महापुरुष ने मुझसे कहा था जब मैं चारधाम की यात्रा करूंगा तो मेरा पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी कारण में आज तक चारधाम की यात्रा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे आज पता चला मेरे चारधाम तो यहां बसते हैं शिरडी में। आज मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ, धन्य हुआ मैं साईं। लेकिन साई, आपने मेरा पैर ठीक क्यों किया? मैंने तो आपको कटघरे में खड़ा किया है। आपको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। जोशी जी, आपकी शारीरिक बाधा भी आपको अपने कर्तव्य निर्वाह से रोक नहीं सकी। अपनी तकलीफ को महत्व ना देते हुए आपने हमेशा लोगों को न्याय दिलाया है। मालिक को इसका फल तो देना ही था। देखा कुंदा, नाना जोशी जैसे आदमी भी साई के पास जाते ही उनके भक्त बन गए, उन्हें ईश्वर मान लिया। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम।
का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि साई ही हमारे तारणहार है। अब तो सच सामने आकर ही रहेगा। हे भगवान, अब तक तो मैं साई को कोई बहुत बड़े संत महात्मा समझता था, लेकिन साई तो साक्षात ईश्वर का अवतार है और मैंने ईश्वर के नाम पर झूठ बोलकर उन पर लांछन लगा दिया, घोर पाप कर दिया मैंने। हरिओम जोशी जी, मैंने आपसे कहा था ये फकीर जादू टोना करता है, वशीकरण जानता है, आप भी इसके वश में आ गए। आपने तो कहा था ईश्वर के अलावा आप किसी के सामने नहीं झुकते, तो ये क्या है? कानून का उपहास कर रहे हैं आप। इस अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है तो निर्णय सुनाने में इतना विलंब क्यों? और याद रखिए, आज आपने यदि इसका पक्ष लेके निर्णय सुनाया तो अंग्रेज सरकार से मैं आपकी शिकायत करूंगा। माफ कीजिए कुलकर्णी जी, लेकिन मैं अब यह अदालत आगे नहीं चला सकता हूं। क्या? और साई के खिलाफ निर्णय भी नहीं सुना सकता हूं। नहीं जोशी जी, आप न्याय करिए, अपना कर्तव्य पूरा करिए। मुझे यकीन है साई, आपने चोरी नहीं की, लेकिन आप किसी बात को नकार भी नहीं रहे हैं। आप सच क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं गलत फैसला देकर अपने फर्ज से बेईमानी नहीं कर सकता हूं। मैं अपने पर लगा आरोप कबूल करके अपना फर्ज निभा चुका हूं। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उस पर फैसला लीजिए। साई किसी और का गुनाह अपने ऊपर ले रहे हैं, ये साफ है। इसके पीछे जरूर कोई विशेष कारण होगा। मौन क्यों है जोशी जी, बोलिए। इस फकीर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, सबके सामने से दंडित कीजिए। धर्म फकीरी का चौंगा ओढ़ के कोई चोरी करे तो क्या समाज के लिए हितकारक है? बिल्कुल नहीं। भयंकर चिंताजनक बात है ये, और ऐसे अपराधी को शिरडी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं शिरडी में रहने नहीं दूंगा। इसके कारण आज तक शिरडी दूषित होती आई है और इसका प्रमाण सबके सामने है। अब
हाँ, इस वकील ने अपना गुनाह तो कबूल किया है ना? हाँ, चोरी की है तो की है। हाँ। साई, और कोई बात जो आप अदालत को बताना चाहते हैं? नहीं जोशी जी, मैं सब सच बता चुका हूं। सारी बातों प्रमाण को देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि साई नहीं, नहीं साई, मेरी गलती की सजा आप नहीं भुगतेंगे। चोरी मैंने की थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आप पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता था। बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, मजबूरी में कोई रास्ता ना दिखा और अपने बेटे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती देखी तो गहने चुरा लिए। पकड़ा गया तो डर गया, सोचा आपका नाम ले लूं तो बच जाऊंगा। एक उम्मीद बची थी साई कि आप इस गरीब की मजबूरी खुद समझेंगे और कोई चमत्कार दिखा देंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन चोरी का इल्जाम आप पर लगे, ये मैं कैसे होने दूं साई, ये मैं कैसे होने दूं। वसुंधरा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। जोशी जी, मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन साई बेकसूर है। कुंडीबा, अच्छे काम के लिए ही क्यों ना, लेकिन चोरी करना कभी किसी चीज का विकल्प नहीं हो सकता है। जो गुनाह आपने किया ही नहीं, उसका इल्जाम खुद पर क्यों लिया? एक बाप बेटे के प्यार की पुण्याई भी थी। विनू ने अपनी मासूमियत से जो पुकार लगाई थी उसका जवाब भी तो देना था। अगर कोंडीबा दोषी सिद्ध होता
तो एक बेटे की अपने पिता के वापस आने की उम्मीद टूट जाती है। मैं ये नहीं चाहता था। मुझे कोंडीवा की इस बात पर दुख है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। मुझे उसे दोषी करार देना ही होगा। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी है, साई बाबा निर्दोष है। सब यहां मेरा साथ देने आए, इसका मैं सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब आप अपने अपने घरों के लिए, अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए प्रस्थान कीजिए। समय हो गया है।